देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 6,654 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 137 मरीजों ने दम तोड़ा है। राहत भरी खबर यह है कि देश में कोरोना को मात देकर अब तक 51,783 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। एक नजर अब डाल लेते हैं कोरोना मीटर पर। तो जिस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कुल मामले, किस तरह से हमारे देश में हालांकि ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई मामले सामने आए हैं जो ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 6,654 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 3,250 मामले अब तक हमारे देश में ठीक भी हुए हैं और 137 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में कोरोना और दिल्ली से चिराग गोठी और मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले चिराग, आपसे जानना चाहेंगे कि सब कुछ दिल्ली में अब खुल चुका है, ज्यादातर एरियाज खुल चुके हैं, लेकिन एकाएक बढ़ोतरी भी देखी गई है। बताया जा रहा है एकाएक 14 ऐसे जगह है जहां पर हॉटस्पॉट अब वो घोषित हो गए हैं। कैसे संभलेगा ये ग्राफ, कैसे कोरोना भी कंट्रोल में आए और कैसे जो आर्थिक हालत है वो भी सुधरे, एक बड़ी समस्या। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में श्वेता अगर बात की जाए 100 के आसपास हॉटस्पॉट बनाए गए थे और धीरे धीरे उनकी संख्या कम की गई थी, अब एकाएक एक दिन में ये हॉटस्पॉट की संख्या 14 जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ साथ पिछले अगर 24 घंटे की बात करूं 600 नए केसेस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। ऐसे में डर बना हुआ है और पिछले अगर ट्रेंड देखा जाए पिछले 4-5 दिनों का तो लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में 6,000 केसेस 24 घंटे के अंदर अंदर आगे आ चुके हैं, यानी 1,25,000 के आसपास केसेस हैं, और जिसमें दिल्ली जो है और जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है वो इफेक्टेड है, खासकर दिल्ली इफेक्टेड है। दिल्ली की अगर और बात करूं तो इस पूरे मामले में हालांकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, दुकानें भी खोल दी गई ऑड इवन सेंस में। इस वक्त मैं लाजपत नगर के पास भी मौजूद हूं, मैं आपको यहां का नजारा दिखाता हूं। आप देखिए ट्रैफिक की जो स्थिति है बिल्कुल अब यहां नॉर्मल हो गया है, ऐसा ट्रैफिक जो है दिखने लगा है। नहीं तो यूजुअली लॉकडाउन जब हमने 1, 2, 3 कवर किया था उस वक्त इतना ट्रैफिक तो नजर बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब जिस तरह से छूट दी गई है एसेंशियल कम्युनिटी से संबंधित पहले वाहन दिखते थे, अब जिनके पास पासेस हैं या जो दुकानदार हैं उनको भी अलाउ किया गया है। तो जो लोग जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं लगातार, जैसे मैंने बताया 600 केसेस जो है 24 घंटे में बढ़े, तो ऐसे में ये डाटा अलार्मिंग है। 200 के आसपास दिल्ली में मौतें हो चुकी हैं और करीब करीब 12,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में इस वक्त रिकॉर्ड किए गए हैं। जी बिल्कुल मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, ऐसे में लॉकडाउन 4 में जबकि सब कुछ खुल चुका है अब ज्यादातर जगहों में, राज्यों में कई जगह हम खुद देख रहे हैं, पर्सनली मैंने कई जगह देखा कि दुकानों में लोग जो है ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि कोरोना खत्म हो चुका हो, ना मास्क लोगों ने पहना है ना लोगों ने ग्लव्स पहन रखे हैं। मुंबई में कैसी स्थिति है? पूरा मुंबई इलाका जो है श्वेता वो एक रेड जोन है और मुंबई में आपको कहीं भी गद्दी या बिना मास्क दिखाई देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुंबई पुलिस और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ बल है वो मुंबई में बुला लिया गया है। आने वाला त्यौहार, बड़ा जो त्यौहार है वो ईद का त्यौहार है 2 दिनों में, उसके लिए भी सिचुएशन की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक तरह से जितने भी केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में अब तक बढ़े हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन में अगर इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो अगर लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत दी जाती है तो आगे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तो ये बात साफ है कि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रही है हॉस्पिटल। मुस्तफा की आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, मुस्तफा आपसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिराग यहां पर आपसे समझना चाहेंगे जो बात अभी मैं मुस्तफा से पूछ रही थी। कई लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन 4 में जब से दुकानें खुली हैं रेड़ी पटरी वालों को कहा गया है कि अब वो भी आ सकते हैं, बहुत लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, और खासकर ये तस्वीर दिल्ली की भी देखने को मिल रही है। कई ऐसी जगह हैं, हॉटस्पॉट्स हैं जो कंटेनमेंट जोन जो बना रखा है, हॉटस्पॉट बना रखे, वहां भी लोग जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है श्वेता, पहले पुलिस की काफी सख्ती थी 1st, 2nd, 3rd लॉकडाउन में, लेकिन जो लॉकडाउन 4 है इस वक्त पुलिस इतनी सख्त नहीं नजर आ रही, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि सरकार ने काफी छूट दे रखी है, तमाम जो चीजें हैं अब जो दुकानें ऑड इवन के बेसिस पर खुल रही है तो ऑब्वियसली जा रहे हैं, अपने वाहनों जा रहे हैं, तरह से नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में नियम भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं।